कालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह जयपुर से आई एक महिला भक्त की साड़ी में दीपक से आग लग गई। आग देख महिला चीखते हुए बाहर भागी। आवाज सुन पुजारियों ने अन्य भक्त और कर्मचारियों की मदद से आग बुझाई और अस्पताल भिजवाया। आग से महिला का पैर झुलस गया है। प्राथमिक इलाज के बाद परिवार वाले उसे कार से लेकर अपने घर रवाना हो गए। जयपुर की रहने वाली शोभा कुंवरपति हनुमान सिंह उम्र 45 वर्ष परिवार के 6 सदस्यों के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंची थी। सोमवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वे मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों में माथा टेक रही थी। इस दौरान वे ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे त्रिविष्टेश्वर मंदिर भी पहुंची। यहां पर छोटे शिवलिंग के पास दीपक जल रहा था। वे भोलेनाथ के समक्ष झुकी, इसी दौरान साड़ी दीपक के ऊपर गिर गई। आग देख वे चिल्लाने लगी और परिसर में भागी। पुजारी दिलीप गुरु ने आग बुझाने दौड़े। उन्होंने भद्रकाली मंदिर से कंबल उठाया और महिला के ऊपर डाला। उन्होंने कर्मचारियों और अन्य भक्तों की मदद से आग बुझाई और मंदिर समिति की एम्बुलेंस को सूचना दी। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के पैर झुलसे हैं, उनकी हालत सामान्य है। घटना उस स्थान पर हुई जहां से श्रद्धालु निर्गम गेट की ओर निकलते हैं। यह मार्ग संकरा है जहां छोटे शिवलिंग विराजित है। यहां भक्त पूजन कर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। सोमवार सुबह हुई घटना के दौरान भी आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध नहीं हुए। मौके पर उपस्थित लोग अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास करते रहे। महाकाल दर्शन करने के लिए आई थी और वहां पर दीपक से उनको आग उनको झुलस गई है। उनके हाथों पर भी चोटें वगैरह लगी है। हालांकि उनकी कंडीशन सामान्य है और हमने इलाज करके उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है।